अजयपाल राजा के सुपुत्र अड़ोर राजा दादा गुरुदेव के परम भक्त थे। उन्होंने ही दादा गुरुदेव के भक्तों को ये मदार की टेकरी की भूमि प्रदान की और आज इसी स्थान पर इस दादावाड़ी का निर्माण हुआ है। अखिल भारतीय श्री जैन श्वेतांबर खड़तर गच्छ तीर्थ दादावाड़ी में बड़ी पूजा के साथ दो दिवसीय दादा मेला सम्पन्न। दादा गुरुदेव जिंददत्त सूरी के 868वें स्वर्गारोहण समारोह के दूसरे दिन निकली शोभा यात्रा। खड़तर गच्छाचार्य युग प्रधान दादा गुरुदेव श्री जिंददत्त सूरी महाराज की दादावाड़ी दादा गुरुदेव के 868वें स्वर्गारोहण समारोह के अवसर पर आयोजित दो दिवसीय दादा मेले का रविवार को दादा गुरुदेव की विशाल शोभा यात्रा और बड़ी पूजा के साथ समापन हो गया। जिंदत सूरी मंडल के मंत्री अनिल गोयच्छा ने बताया कि अखिल भारतीय श्री जैन श्वेतांबर खड़तर गच्छाचार्य तीर्थ दादावाड़ी अजमेर में दादा गुरुदेव श्री जिंददत्त सूरी महाराज के मनाए जा रहे 868वें स्वर्गारोहण समारोह में 10 जुलाई को सुबह 6 बजे से सामूहिक भक्तांबर स्त्रोत एवं दादा गुरुदेव 31वां पाठ का आयोजन हुआ। 8 बजे से सामूहिक स्नात्र पूजा, 9:30 बजे दादा गुरुदेव की विशाल शोभा यात्रा गाजे बाजों के साथ निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में जैन धर्म के लोग शामिल हुए। सुबह 10:30 बजे से दादा गुरुदेव की बड़ी पूजा हुई, जिसमें इंदौर के लवेश बोराड़ एंड पार्टी, जयपुर की डॉक्टर सीमा दफ्तरी, महक गोलेशा ने सुंदर भजनों की प्रस्तुति के साथ बड़ी पूजा संपन्न कराई। इसके बाद स्वधर्मी वात्सल्य के साथ आयोजन का समापन हुआ। दो दिवसीय दादा मेले के लाभार्थी शाह जेठामल बाबूलाल पारलेचा परिवार बेंगलुरु से रहे। खड़तर गच्छाचार्य युग प्रधान दादा श्री जिंददत्त सूरी जी का आज 868वां स्वर्गारोहण दिवस है। आज के दिन अजमेर में आपका इसी स्थान दादावाड़ी में स्वर्गवास हुआ था। अजयपाल राजा के सुपुत्र अड़ोर राजा दादा गुरुदेव के परम भक्त थे। उन्होंने ही दादा गुरुदेव के भक्तों को ये मदार की टेकरी की भूमि प्रदान की और आज इसी स्थान पर इस दादावाड़ी का निर्माण हुआ है। दादा गुरुदेव जन जन के आस्था के केंद्र है। हजारों किलोमीटर से देश और विदेश से भक्त लोग आते हैं गुरुदेव के दर्शन करने और उनकी कामनाएं पूर्ण करते हैं और संपूर्ण भारतवर्ष में इनका एक गौरव गाथा गाई जाती है। आज भी जो भी मन से आस्था से विश्वास से इनका जो नाम लेता है उनके संपूर्ण कार्य संपन्न हो जाते हैं। और आप सभी इस मेले का प्रतिवर्ष जिंददत्त सूरी मंडल आयोजन करता है और इस मेले के दो दिन का लाभार्थी मोकलसर निवासी हाल होसपेट पालरेचा परिवार ने लाभ लिया है। और इस मेले के प्रेरिका परम पूज्य प्रवर्तनी चारों धाम प्रेरिका विचक्षण श्री जी महाराज साहब है। उनकी ही शिष्या परम पूज्य शासन ज्योति सतावधानी मनोहर श्री जी महाराज साहब इसी दादावाड़ी का भव्य नव निर्माण करने के उपलक्ष में यह विराजमान है और शीघ्र ही इस दादावाड़ी का 7 स्टार में ये दादावाड़ी बनेगी, यही हमारी आस्था और श्रद्धा का केंद्र। ये दादा गुरुदेव श्री जिंददत्त सूरी जी की 868वीं स्वर्गारोहण जयंती मनाई जा रही है। इसके उपलक्ष में रात्रि में भक्ति कार्यक्रम था, जिसमें लवेश जी बुराड़ इंदौर, सीमा जी दफ्तरी जयपुर और अजमेर के लोकल कलाकारों ने अपना भक्ति रंग से इसको भरपूर सरोवर कर दिया। और आज अभी बरगोड़ा है और साथ ही हमारे मनोहर श्री जी महाराज साहब का चतुर्मासिक प्रवेश है। इसके बाद में दादा गुरुदेव की बड़ी पूजा है, बड़ी पूजा के बाद में साधार्मिक वात्सल्य है, उसके बाद ये मेले का संपूर्ण समापन हो जाएगा। दो दिन से मिले दादा गुरुदेव की 868वीं जयंती मनाई जा रही है, उसके अंदर कल शाम को पूजा हुई पार्श्वनाथ भगवान की, रात्रि में भक्ति हुई, आज वरगोड़ा है सुबह 9:30 बजे से, उसके बाद पूजा के बाद मेला समाप्ति होगी। दादा गुरुदेव का दो दिवसीय मेला दादा गुरुदेव की 868वीं स्वर्गारोहण तिथि में जैन श्वेतांबर जिंददत्त सूरी मंडल के द्वारा ये मेला आयोजित किया जाता है और ये मेला बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। दादा जिंददत्त सूरी के समाधि स्थल पर ये मेला मनाया जाता है और मेले के लाभार्थी मोकलसर निवासी महेंद्र कुमार जी इसके पारलेचा हैं और ये मेला बड़ी धूमधाम के साथ रात्रि भक्ति के साथ, अब आज के बाद का अब गुरु पूर्णिमा पे ये जो है खड़तर का इसके चतुर्मास की 14 पे ये चालू हो जाएंगे।